यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आरएलडी भी शामिल हो गई है। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया। गठबंधन में आरएलडी की 3 सीट की गई है। आपको ये बता दें, जयंत चौधरी ने दावा किया कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को मात देगा। वहीं अखिलेश यादव ने गठबंधन को विचारों का संगम करार दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश नई सरकार और नया प्रधानमंत्री चाहता है। पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी की उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि डट के खड़े होंगे हमारे कार्यकर्ता और पूरी 80 सीटों पर हमारा फोकस। ये सभी दलों का एक संगम हुआ है। ये जहां विचारों का संगम है, वहीं गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनकी एक ताकत बनी है। और हमें उम्मीद है कि जब लोकसभा चुनाव की तारीख आ जाएंगी, देश को जहां नई सरकार मिलेगी, वहीं नए प्रधानमंत्री भी देश को मिलने जा रहे हैं। तो गठबंधन में आरएलडी की एंट्री हो गई है। हालांकि ये औपचारिक ऐलान है, पहले ही तय हो गया था कि 3 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी। सिंबल को लेकर भी बहुत दिनों से बात चल रही थी। पहले आरएलडी को तो बाहर कर दिया था, 2 सीट दी, फिर आरएलडी को वापस अपने साथ रखा है और अब आखिरकार जयंत चौधरी ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ की और कहा कि मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। अब इस गठबंधन में आरएलडी, सपा और बसपा शामिल है। कितना फायदा किसको मिलेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने कहा कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज कुछ अहम बातें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली, जब अखिलेश यादव ने तीनों पार्टियों का गठबंधन संगम करार दिया और कहा कि यह पवित्र संगम है। सहयोगी विनोद मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, आज औपचारिक ऐलान हो गया, हालांकि पहले ये तय हो गया था, लेकिन इस औपचारिक ऐलान के बाद क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, आज औपचारिक तौर पर एसपीबीएसपी अलायंस में आरएलडी शामिल हो गई है। 3 सीटें इस अलायंस में भी है। सीटों के फॉर्मूले के लेकर थोड़ी सी जरूर अटकड़े लगाई जा रही थी कि 4 सीटें मिलेंगी या 3 पर ही संतोष करना पड़ेगा आरएलडी को। कम से कम 3 सीटें इस गठबंधन ने आरएलडी को दी है, जो बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर है। ये 3 सीटें आरएलडी की होंगी। इस गठबंधन से एक बात और साफ हुआ है कि इस बात के सबसे ज्यादा कयास कल से लग रहे थे कि क्या कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं। ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया और हर बार इस सवाल को टालते हुए रहे। वो कहते रहे कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, हमने 2 सीटें दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज 2 सीटों पर कांग्रेस तैयार होगी गठबंधन में शामिल होने के लिए। अगर 2 सीटें ही सिर्फ उसके पास है तो कम से कम कांग्रेस गठबंधन में नहीं है। और तमाम जो छोटे दल उत्तर प्रदेश में है, मसलन पीस पार्टी हुई, निषाद पार्टी हुई, पीएससीएल हुआ, इस तमाम दल भी कांग्रेस के साथ लगातार गठबंधन की बात कर रहे हैं, इनसे बातचीत हो रही है। विनोद, तो क्या एक तरफ आपके पास मैं फिर लौटूंगा, इस समय मेरे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील यादव जुड़ गए। सुनील जी, औपचारिक ऐलान हो गया है लेकिन 3 सीटें दी हैं और आज अहम बात यह कही कि ये तीनों संगम की तरह पवित्र है, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आप कितने मजबूत हुए जयंत चौधरी के साथ आने से? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है और ये जमीनी गठबंधन है और इस गठबंधन का प्रयोग भी हो चुका है। आपने देखा होगा कैराना, हाँ, तो सबसे मजबूत बीजेपी के लोग अपनी वहां हारे हैं। गठबंधन का आपने देखा गोरखपुर में क्या हुआ, गठबंधन ने योगी आदित्यनाथ जी की सीट जो है जीतने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। गठबंधन ने फूलपुर में और नूरपुर एक विधानसभा है वो उसको भी जीतने का काम किया। इसीलिए तो बीजेपी वाले भयभीत हैं, क्योंकि गठबंधन इतना मजबूत है और ये आम गांव, गरीब और जनता की आवाज का गठबंधन है। जनता हिसाब लेना चाहती है कि 5 वर्ष में बीजेपी के शासन काल में
दो करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई, सीमाएं सुरक्षित की बात करते थे लगातार सीमा पे हम। सुनील यादव जी, इस तरीके से नहीं, राजपाल कश्यप मैं बोल रहा हूँ जी जी, नहीं राजपाल कश्यप जी, ये संशोधन कर लीजिए आप। तो ये जिस तरीके से आज प्रदेश में बेरोजगार हुए, आरक्षण खत्म कर दिया, और किस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया, दलित बैकवर्ड आदिवासी के बेटे अब नहीं जा सकते। राजपाल कश्यप साहब, ये आपके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आप, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जयंत चौधरी को क्या आपको मजबूरन शामिल करना पड़ा? आप, क्योंकि उपचुनाव में मजबूती के साथ उतरे थे, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कमी ना रह जाए। पहले अभी कितने दिन हुए, कराना में ही चुनाव हुआ, उसी में साथ में थे, तो ये स्वाभाविक गठबंधन है, जनता की आवाज का गठबंधन है, और गांव गरीब की आवाज बुलंद करने का गठबंधन है, और दलित बैकवर्ड और आदिवासियों को जो ठगा जा रहा है बीजेपी के शासनकाल में, उसकी आवाज का गठबंधन है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, आप खुद सुन रहे हैं कि उनका कहना है कि उपचुनाव में जो सफलता मिली उसको देखते हुए जयंत चौधरी को शामिल किया, यानी ये समझा जा सकता है कि आरएलडी का आना मजबूती दे सकता है इस गठबंधन को? देखिए, शंकाएं भी है कि पश्चिम यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर उनके खाते में आई हैं, मसलन आप मुजफ्फरनगर हुआ, बागपत हुआ और मथुरा हुआ, ये तीनों पर आरएलडी कब्जा होता है। माना जाता है कि गठबंधन के साथ आरएलडी आती है तो गठबंधन मजबूत होता है, आरएलडी को भी इसका फायदा मिलेगा। शायद यही बड़ी वजह है कि आरएलडी 3 सीटों पर तैयार हो गई पश्चिम यूपी में लड़ने के लिए। पश्चिम यूपी एक ऐसा गढ़ है कम से कम जहां पर गठबंधन को बेहतर करने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। जो ऐसी सीट जो जातीय समीकरण जिस लिहाज से बैठता है वो पश्चिम यूपी में आरएलडी के लिए काफी उपयुक्त है। चार वोट बैंक जिसकी राजनीति आरएलडी करती है, उस लिहाज से 3 सीटों पर उनके लिए आसानी ज्यादा होगी। बड़ी बात यह है कि गठबंधन इस बार इस तैयारी के साथ है कि बीजेपी का मुकाबला उसको करना है, और बीजेपी कैसे कमजोर होगी, बीजेपी को कैसे मुकाबले में हराया जाए, इसकी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव का साफ कह रहा है कि तमाम दल, बीजेपी के अलावा जितने भी दल है, वो सब एक साथ होकर बीजेपी को हराएंगे, और उनको लगता भी यही है कि जब सब साथ होंगे तो ही बीजेपी को हरा पाएंगे, और शायद यही मजबूरियां हैं कि SP BSP और RLD आज एक साथ है। ठीक, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम बातचीत के लिए।